सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कविता समझाई हुई तब याद तुम्हारी आती है। अब उसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप पुस्तक में ध्यान दीजिए और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और अभ्यास के प्रश्नोत्तर वो मैं आपको समझाऊँ कि आपको लिखना है। मैं बारी बारी बोर्ड पे लिखती जाऊंगी और आप लोगों को वो बोर्ड पे लिखा हुआ फोटोग्राफ आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। तो आप देख देख के फिर लिख लेना, पर समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अकेले लिखना नहीं है आपको, बारी बारी ये प्रश्नोत्तर है वो याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है ना। तो आप प्रश्नोत्तर लिख लीजिए। प्यारे छात्रों, यहाँ पे प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए वैसा लिखा है अभ्यास में। तो देखिए, आप अभी आपको समझना है, लिखना नहीं है। सुबह होते ही क्या क्या होता है वो पहला प्रश्न है। तो कविता में हमने समझाया था, बताया था कि सुबह क्या होता है। तो इसमें जवाब क्या आएगा कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठ जाती है तो क्या करती है, बहुत सुबह चिड़िया उठ जाती है और खुशी के गीत गाने लगती है। कलिया अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर जैसे कि मुस्कुरा रही हो, जैसा पूरा वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। तो ये पहले जवाब में आएगा। दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। वो भी मैंने आपको बताया था कि जब भी बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में जब छमछम बूंदे गिरती है पृथ्वी पर, तभी मैदानों में और वन बागों में हरियाली लहरा जाती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो क्या आएगा, जब ये पूरा वातावरण है वो सुंदर सा हो जाएगा, खुशहाली छा जाएगी, हरियाली छा जाएगी, तभी हमको प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, तो ये तो आपको बताना ही होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम सुबह उठकर बाग बगीचे देखते हो फूल, तो वो आपको लिखना है। और जो पक्षियों की जो गुनगुनाने की आवाज़ आती है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की ओर आएंगे, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहा जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति हो, एक प्राणी हो, पक्षी हो, पदार्थ हो, चाहे कुछ भी, वो एक हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। और अगर एक से अधिक हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसे बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे, यहाँ पे ये जो बॉक्स में है वो एक एक चीज़ें दिखाई दी है देती है, और यहाँ पे एक से अधिक चीज़ें दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पे एक वचन का रूप है और यहाँ पे बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में यहाँ पे लिखा है चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चिड़िया, ठीक है, चिड़िया। यहाँ पे या लगा दिया जाए तो उसका बहुवचन रूप हमको मिल जाएगा, ठीक है। कली नहीं खिली है, तो यहाँ पे कलियां, ठीक है ना, या यहाँ पे बहुवचन के रूप पे आएगा, उस पर या के ऊपर यहाँ अर्धचंद्रकार यहाँ पे लगा दिया जाए तो बहुवचन रूप हमको प्राप्त हो जाएगा। बूंद गिरती है, बूंदे, बूंद का क्या होता है, बूंदे गिरती है, यहाँ पे बहुवचन रूप दिया है। दरवाजे खुले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दरवाज़ा खुला है, ठीक है। यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही है, देखिए ये या है, ये बहुवचन रूप है, यहाँ पे एक ही लड़की है, इसलिए क्या आएगा, लड़की,
ठीक है। तो यहाँ पे लड़की खेल रही है वैसा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बहुवचन का रूप है और एक वचन का रूप है वो हमें हमने देख लिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लड़कियाँ है, वो लड़कियाँ अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लड़कियाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में लड़कियाँ ये ह्रस्वई है और यहाँ पे बहुवचन का रूप है, पर यहाँ पे हम लड़की लड़की ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा रूप आता है लड़की लड़की, यानी कि दीर्घ ई यहाँ पे आता है, पर जब भी हम उसका बहुवचन करें तभी ये जो दीर्घ ई है वो उसकी ह्रस्व ई बन जाएगी और बहुवचन का रूप यहाँ पे आएगा। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक वचन और द्विवचन का रूप यहाँ पे बताया गया है, आप बारी बारी इसका अभ्यास कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी ओर, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो यहाँ पे अलग 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 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो आप घर पे बैठे बैठे ये देख लीजिएगा, मैं एक का बता देती हूँ। यहाँ पे है मैं, फूलों भरता रंग कौन, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये क्या आएगा। तो फूलों में रंग कौन भरता है, वैसा प्रश्नार्थ वाक्य यहाँ पे बनेगा। तो उसी तरह से आपको ये दो भी बनाने हैं। चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं, तो चौथा प्रश्न तो यहाँ पे आपको इकट्ठे खेलना है, तो वो हमको लिखना नहीं है कुछ, ठीक है ना। अभी ये नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे शब्दकोश, शब्दकोश को आपको देखकर लिखना है। तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताए ही थे, ठीक है ना, याद कर लो आप। स्वर और व्यंजन आपको मैंने बताए थे, तो वो स्वर और व्यंजन के मुताबिक ये आपको खुद ही ये लिखना है, ठीक है ना, कि पहले कौन सा शब्द आएगा। जैसे कि ये पहले कुक है, इरादा है, तरोवर है, मुग्ध है, गुजारिश है। तो यहाँ पे पहला जो भी ये वर्ड है, जो भी ये वर्ण है, वो वर्ण आपको अलग से निकाल लेना है और शब्दकोश में स्वर और व्यंजन जो हमारे है उसमें पहले स्वर आते हैं, तो ये स्वर का जो शब्द है वो पहला आता है। इसी तरह ये सारे आपको ढूंढकर लिखने हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है। अभी ये जो प्रश्न है उसके प्रश्न मैं आपको बोर्ड पे लिखा देती हूँ। ये दो प्रश्न है आपके, ये दो प्रश्न आपको बोर्ड में लिखा देती हूँ। चलिए ये पूरा स्वाध्याय लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। पूरा स्वाध्याय यहाँ पे है, चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढ कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्काना, यहाँ पे सुबह यानी कि प्रातःकाल, तो उसका वाक्य है प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। तो ये वाक्य बनाया है पहला सुबह का। इसी तरह से यहाँ पे बॉक्स में देख देख कर नए शब्द बनाने हैं और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप घर पे बैठे बैठे उतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो यहाँ पे भी आपको ये चित्र देखना है और आपको यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पे एक एक शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे पहला वाला है, वहाँ पे मुस्कान लिखा है। बुक में दिखेगा तो पता चल जाएगा, बहुत छोटे अक्षर में है। मुस्कान, चांद,
मैदान, कलिया, उठकर। ठीक है, तो उठकर जो है वो स्वर है पहला, तो स्वर है वो हमने पहले ही बता दिया था कि वो पहले आएगा, इसीलिए यहाँ पे पहले डिब्बे में है। तो उसी तरह से ये जो चार शब्द है वो पहले, तो आप छांट लीजिए कि पहला शब्द कौन सा आता है, दूसरा उठकर, उसके बाद में कौन सा शब्द आता है वो आपको खुद ही तय करना होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले शब्द कोश का कैसे परिवर्तन करना है और कैसे यहाँ पे लिखना है। तो दोबारा नहीं कहूँगी, आप लोग जांच लीजिए खुद, और ये बारी बारी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को पढ़ना है, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क पूरा नोटबुक में लिखकर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। अस्तु, जय हिंद।